वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लड्डू गोपाल के कपड़े बनाने जा रहे हैं। उसके लिए सिर्फ हम 20 फंदे डालिए इस तरीके से। उनको आगे करके इस तरीके से 20 फंदे डाल लीजिए। बीस फंदे डालने के बाद फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, इसी तरह से करते हुए उनको आगे करके फिर उल्टा, फिर उनको पीछे करके फिर एक फंदा सीधा करते हुए पूरी सिलाई बनाने। मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली, अब दूसरी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी ही बिनेंगे। ये देखिए चारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी ही बना लेना है। फिर अब सीधी सिलाई में पांच फंदे सीधे बनाने हैं, दो तीन चार पांच, फिर उनको आगे करके दो फंदे सीधे बनाने, एक दो, फिर उनको आगे करके फिर अब तीन फंदे सीधे बनाने हैं, दो तीन, फिर उनको आगे करके दो फंदे सीधे बनाने हैं, तो फिर उनको आगे करके ये पांच फंदे सीधे बनाने हैं। इस तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फिर उल्टे सिलाई पूरी उल्टी बना लेना है। इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बीन लेना है। सीधी सिलाई में फिर पांच फंदे सीधे बनाने हैं, दो तीन, चार पांच। ये जाली जो है इधर आएगी और जहाँ ये दो फंदे हैं यहाँ पे आप चार हो जाएंगे, एक दो तीन चार। पांच फंदे बनाने के बाद फिर एक जाली बनेगी, उनको आगे करके चार फंदे फिर बनाने हैं, दो तीन चार, फिर उनको आगे करके फिर अब तीन फंदे बनाने हैं, फिर उनको आगे करके फिर अब चार फंदे बनाने हैं, फिर उनको आगे करके पांच फंदे बनाने हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही रहेगी। फिर सीधी सिलाई में उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर सीधी सिलाई में पांच फंदे सीधे बनाने हैं, दो पांच। अब उनको आगे करके यहाँ जो पांच हो ये छः हो गए थे, अब यहाँ सात फंदे हो जाएंगे। ये देखिए वो एक दो सीधा ही बनाना है, जाली बनेगी, छः सात, फिर उनको आगे करके फिर तीन फंदे बनाने हैं, फिर उनको आगे करके फिर ये फंदे बना लेने हैं, ये फंदे फिर सीधे बिन लेने हैं। फिर उनको आगे करके फिर पांच फंदे सीधे बनाने हैं,
पूरी सिलाई इस तरीके से पूरी उल्टी बनानी है। इस तरीके से सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। हम देख सिलाई में ही देखिए तीन जाली यहाँ बन गई, एक दो तीन, और फिर सीधी सिलाई में ये पांच फंदे बिन लेने हैं। ये पांच फंदे बिनने के बाद फिर ये जो है फंदे उतार दिए जाएंगे इस तरीके से। एक दो, ये फंदे इस तरीके से उतार देने हैं एक जाली से दूसरी जाली तक। इस तरीके से ये जाली आ गई यहाँ तक उतारने हैं। जाली वाला फंदा है ये यहाँ तक उतार देना है। फिर तीनों ये फंदे दो हैं सीधे बुन लेने हैं, फिर ये उतारने हैं। इस तरीके से उतार देना है फंदे। ये आठ फंदे हैं बचे हुए जाली वाले, एक जाली से दूसरी जाली तक ये उतार देने हैं इस तरीके से। अब ये बचे हुए फंदे बिन लेने हैं पूरे। अब ये पूरे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। देखिए इसको भी छोड़ देना है और ये जो सिलाई में ही फंदे हैं उसी को बनाना है। उल्टे फंदे बुनना है इस तरीके से। अब कन्हैया जी का घेर बनने वाला है। ये यहाँ पे हाथ आएंगे और घेर बने, दो फंदे सीधे बुनिए फिर उनको आगे करके, फिर एक फंदा सीधा बुनिए फिर उनको आगे करके, सीधा बुनिए फिर उनको आगे करके, सीधा बुनिए फिर उनको आगे करके, फिर सीधा बुनिए। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। सीधी सिलाई बनाने के बाद उल्टी सिलाई बना लीजिए, फिर उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर दो फंदे सीधे बनाइए, फिर उनको आगे करके फिर एक दो तीन फंदा बनाइए, फिर उनको आगे करके फिर एक दो तीन फंदा सीधे बनाइए, फिर उनको आगे करके फिर एक दो तीन फंदा सीधे बनाइए, फिर उनको आगे करके फिर तीन फंदा सीधे बनाइए, फिर उनको आगे करके फिर तीन फंदा सीधे बनाइए, फिर उनको आगे करके फिर तीन फंदा सीधा बुन लीजिए। फिर उनको आगे करके सीधे बुनिए फंदे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही रहेगी। ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है बनने के बाद। ये जो है आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकती हैं, फंदे बड़ा बड़ा के, और कोई भी कलर का बना सकती हैं। पूरा बनने के बाद ये देखिए इस तरह का आएगा, यहाँ पे चुटकी लगेगी और ये ऐसे आएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।